हाँ, इट वॉज एक्चुअली मस्ट वॉच मूवी एंड एक्चुअली सब मुस्लिम लोगों को तो देखना ही चाहिए, मुस्लिम गर्ल्स लाइक कैला स्टोरी एक ऐसा मुस्लिम लेडीज़ या फिर हिंदू लेडीज़ को देखना था, ये मूवी एक्चुअली मुस्लिम लड़कों को देखना चाहिए और ऐसे एक्चुअली मूवीज़ प्रमोट करनी चाहिए और ज़्यादा. सो मस्ट वॉच मूवी एंड आई वुड एक्चुअली गिव 5 स्टार फॉर दिस मूवी. लाइक द CGS वॉज नॉट दैट गुड बट द वे दे हैव शोड द वे दे हैव एक्सप्रेस द आइडियाज़ के आफ्टर दैट क्या क्या होता है, मस्ट वॉच. सो द कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली हेवन के बाद वाला कॉन्सेप्ट दिखाया, तो दैट वॉज रियली वेरी गुड. एक्चुअली जैसे मैंने उधर भी कहा कि एवरी मुस्लिम बॉय शुड वॉच दिस मूवीज ताकि उनको जो वो सारे गलत फहमी है शायद ये मूवीज देख के वो क्लियर हो जाए. सो द ऑल ओवर मूवी वॉज वेरी गुड. या ज़रूर अवेयरनेस तो ज़रूर आने वाली है. लाइक द मूवी इज़ रियली कॉन्सेप्शनल और रियली आई थिंक इट इज़ ऑन फैक्ट्स ओनली बेसिकली. तो इट वॉज अ वेरी गुड ऑल ओवर मूवी. थैंक यू. मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी थी और इसमें से हमको सीख मिलती है कि वो जो गलत मतलब बता के रखते उनको दिमाग में भर के बच्चे लोग को कि उनको 72 हूरे मिलती है, जन्नत मिलता है, ये सब गलत है. कुछ जब ही गलत करेंगे तो जन्नत थोड़ी ना मिलने वाली है किसी भी गुनाह का जान. और ये सब चल रहा है टेररिस्ट लोग हमारे बच्चे को भी उसमें लेके जाते हैं, उन लोग से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए हम लोगों को. इसलिए ये संदेश सबको जाना चाहिए, ये 72 हूरे कुछ नहीं रहता है. ये सब मतलब मौलाना मौलवियों लोग ने ये सब हमारे आने वाली भविष्य पीढ़ियों को बर्बाद करते, हमारे देश को बर्बाद करते हैं. इसलिए ये मूवी सबको देखना चाहिए और अच्छी सीख लेनी चाहिए. हाँ, थैंक यू. अच्छी लगी. सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे अच्छी लगी ऐसे कि ये सब फीचर तो बनाना चाहिए और मुस्लिम को दिखाना चाहिए. चलनी चाहिए, मालूम चलनी चाहिए. हमको अच्छा लगा. क्या बताऊँ, अच्छा लगा ऐसा. हाँ, अच्छा लगा. और इससे मतलब समाज में ये सीख मिलती है कि जो इंसान को ब्रेन वॉश किया जाता है चाहे पंडित हो या मौलाना हो, कोई भी ऐसा अगर बोलता है कि तुम गंदा काम करोगे, किसी बेगुनाह को मारोगे और तुमको ऊपर जा कर के जन्नत मिलने वाला है और 72 हूर मिलने वाला है, ये सब मतलब फालतू की चीज़ है और ब्रेन वॉश किया जाता है इंसान को. ऐसा कुछ नहीं है. ये पिक्चर से यही सीख मिलता है, हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरा ही मिलने वाला है. यही पिक्चर से तो यही, और सबको यही सोच होना चाहिए कि ये सब मतलब दूसरे को कहने पे, कोई भी हो, मौलाना हो या पंडित हो, किसी को कहने पे ऐसा नहीं, मतलब अपना आपस में मिलजुल करके एकता बना करके इस देश में रहना चाहिए. इससे तो बहुत अच्छा सीख मिलेगा बच्चे लोग को भी, हमारे हमें भी बहुत अच्छा पिक्चर लगा. थैंक यू. फिल्म देखा आपने? फिल्म देखी, फिल्म बहुत अच्छी है. अच्छी मतलब बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी. और अभी आने वाले जो जनरेशन जो बच्चे हैं उनको देखना चाहिए. और जो बोलते हैं जाने के बाद जन्नत में हूर परी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है पिक्चर में दिखाया गया है. सब यहीं रहेंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए. बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, सब गलत है. खासकर मुस्लिम लोग को तो पिक्चर देखना चाहिए, हमें तो मालूम ही है लेकिन मुस्लिम लोग को देखना चाहिए पिक्चर, ये सब गलत है. क्यों नहीं सीखेंगे? पिक्चर दिखाना चाहिए, इस पिक्चर को रिलीज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में दिखाना चाहिए. पिक्चर बहुत बहुत अच्छी है पिक्चर, हमें तो बहुत अच्छी लगी है पिक्चर. फिल्म काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. एक्चुअली ये फिल्म मतलब आतंकवादियों पे बनाई गई है और ये आजकल के यंगस्टर्स को तो देखनी ही चाहिए, जो सोचते हैं कि आतंकवादी कई बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद उनको जन्नत में 70-72 हूरे मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मरने के बाद आप लोग इधर ही रह जाते हो, जो भी उन लोग का ब्रेन वॉश किया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एक्चुअली ये सब मूवी सबको देखनी चाहिए ताकि ये सबका रियलिटी सबको मालूम पड़े आजकल का क्या है. इस तरह की मूवी जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी, बातें हो रही थी, देख के लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं आता.
हाँ ये ऐसा मुसलमान के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है कि उनका क्या मेंटेलिटी होता है, क्या कंट्रोवर्सी इन लोग करते हैं, तो सबको देखनी चाहिए इनफैक्ट। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। फिल्म बहुत अच्छी लगी है और आतंकवादी के ऊपर बनाई हुई है और जो बोलते हैं जन्नत मिलेगा, दिमाग अपन उनका डाइवर्ट करते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आतंकवादी ऐसे बनते हैं और हिंदुओं के लिए गलत फहमी फैलाते हैं, तो वो सब ठीक नहीं होना चाहिए ये सब, और लोगों के जागरूकता होना चाहिए ये सब दिखा के। पिक्चर बहुत अच्छी थी। हाँ।